प्रश्न आया साक्षी विमल खंडेलवाल कोलकाता से। परम पूज्य श्री गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र के तर्क और वितर्क उदाहरण से मन संशय में रहता है। क्या ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? विवाह संस्कार में जन्म कुंडली मिलान कितना आवश्यक है? कृपया मन के संशय दूर करने की कृपा करें। पूछा है ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं, ज्योतिष विज्ञान की उपयोगिता है कि नहीं। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि जिसने भी भीतर के सत्य को, अस्तित्व के सत्य को छुआ है, स्पर्श किया है, अनुभव किया है, उसने पाया है कि सारा अस्तित्व एक यूनिट है। जैसे अस्तित्व एक व्यक्ति का शरीर है, उपनिषद का ऋषि कहता है सर्वम खरु इदम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ऊर्जा। परमात्मा क्या है? एक ऊर्जा, एक सिंगल ऊर्जा है। उस एक ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है सारा अस्तित्व, सारी चीजें ब्रह्मांड की, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य स्त्री पुरुष सागर नदी सब एक विराट इकाई है। और जो कुछ भी है यहाँ पर उसका अंग है। तो जो कुछ इस इकाई में अस्तित्व की यूनिट में होता है कहीं भी, उस यूनिट से जितनी जुड़ी हुई चीज़ें सब प्रभावित होती हैं। जैसे आपके गाल पर एक चाटा किसी ने मारा तो आपके शरीर का सारा अंग प्रभावित होगा। एक पत्ता भी हिलता है पूरा ब्रह्मांड में कोई ना कोई उसकी तरंग पहुंचती है। आपने कभी शांत झील देखी है? एक छोटा सा कंकड़ उठाइए और उसमें फेंक दीजिए, आप देखेंगे उसकी तरंगे दूर दूर तलक किनारों तक चली जाती है। छोटा सा तो ये ग्रह ब्रह्मांड में निरंतर चलायमान हैं, तीव्र गति से घूम रहे हैं और वे मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। और मैंने बहुत गंभीरता से प्रारंभ में मैंने ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन किया और मैं लोगों की पत्रियों को देखकर बहुत सारी भविष्यवाणियां करता रहता था। तो जब पत्रियों को देखकर भविष्यवाणी की जा सकती है और उनमें से तमाम सही निकलती हैं, इसका मतलब विज्ञान तो है। उस विज्ञान को इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत पर इनकार नहीं किया जा सकता है, प्रभावित करता है। लेकिन उसके प्रभाव को प्रभावित करने की क्षमता आपके भीतर भी अस्तित्व ने दे रखी, और आपके भीतर जो विचार शक्ति दे रखी है अस्तित्व ने, वो विचार शक्ति सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप ग्रहों के इस प्रभाव को कई गुना न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उससे मुक्त कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, लेकिन अगर हम इसी को मान लेते कि ग्रहों में उपग्रहों में शक्ति होती है, पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है, अब हम इसी को मान के रुक जाते तो हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि आकाश में हवाई जहाज भी 24 घंटे उड़ता रहेगा। हम सोचते हैं कि कितना भी हम उड़ा के कुछ दूर तक फेंकेंगे वो पृथ्वी उसको खींच लेगी। फिर हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि 24 घंटे, दो दिन, चार दिन, महीनों, अब तो सालों साल आपके एयरक्राफ्ट आसमान में घूमते रहते हैं ग्रहों की तरह। यानी हमने विचार शक्ति से उस विज्ञान को पैदा किया जिसके द्वारा हम पृथ्वी की स्वाभाविक अपनी ओर खींच लेने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार चले गए, उसको पराजित कर दिया हमने, विचार शक्ति से पराजित किया और कोई दूसरा नहीं, विचार शक्ति का विज्ञान उससे हमने पराजित किया। तो ग्रहों के प्रभाव को विचार शक्ति के विज्ञान से प्रभावित किया जा सकता है और मनचाहा परिणाम पैदा किया जा सकता है। एक बात, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्रहों की शक्ति 10% प्रभावित करती है, आपकी विचार शक्ति की भूमिका 90% है, उससे कई गुना ज़्यादा है। दूसरी बात, तीसरी बात, विवाह संबंधों को तय करने में कुंडली मिलान कितना उपयोगी है। मैं कहता हूँ जो ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं उनका ये भी तो मानना है कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की जैसी स्थिति है उसके हिसाब से
एक अच्छा ज्योतिषी बता देता है कि इसका विवाह इसके साथ हो सकता है अथवा इसका विवाह इसके साथ नहीं हो सकता है। अगर ज्योतिष शास्त्र है तो ज्योतिष शास्त्र तो ये बताएगा भाई, खंडेलवाल जी बता सकता है ना। तो फिर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जिसका संबंध जिसके साथ हो सकता है वो निर्धारित है। ये मानना पड़ेगा कि अगर ग्रहों का संबंध उससे मेल खाता तभी उसके साथ शादी होगी। तो ज्योतिष शास्त्र को ये मानना पड़ेगा कि जिसके साथ शादी होनी है उसके साथ शादी होगी, तो ग्रहों का मिलान करने की क्या ज़रूरत है, क्यों मिलान के चक्कर में पड़े हो। जहाँ ग्रह शादी कराना चाह रहे होंगे वहाँ हो ही जाएगी, चाहे ग्रह मिल रहे हों चाहे ना मिल रहे हों। और अगर आप बहुत मिलाते हैं तो अभी तो ज्योतिष विज्ञान कहता है कि वो तो सब चीज़ को निर्धारित मानता है कि ग्रहों के हिसाब से इसकी शादी इस समय होगी, ऐसी ऐसी लड़की से होगी जिसकी कुंडली आपस में नहीं मिल रही होगी। तमाम शादियां हो जाती हैं उनकी कुंडली नहीं मिल रही होती है, तो शादी होने का विधान निश्चित है। और तीसरी बात, कोई शादी तय हो रही है और उस शादी के तय होने में कोई बाधा नहीं है, लड़की वाले भी शादी करने के लिए तैयार हैं, लड़का वाला भी शादी करने के लिए तैयार, कहते हैं गुरुदेव सब कुछ फिटफट है, बस खाली एक ही बाधा है, कुंडली नहीं मिल रही है। तो मैं कहता हूँ कि उधर से सब तैयार हैं, इधर से भी सब तैयार हैं, इसका मतलब दोनों ओर से ग्रह तैयार हैं शादी कराने के लिए, तो कुंडली को मिलाने की बाधा क्यों बीच में पैदा करते हो, ख़त्म करो इसको, होने तो कुंडलियों को मिलाने के चक्कर में क्यों उलझते हो, किसी चीज़ को मिलाने के चक्कर में मत उलझो, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, अस्तित्व सब कुछ कर रहा है, चीज़ें स्वतः हो रही है, बाधा क्यों पैदा करते हो तुम, बाधा पैदा करके अपना हाथ पैर ही लहूलुहान करते हो। अस्तित्व सब कुछ कर रहा है, रेलगाड़ी जा रही है, तुम रेलगाड़ी में बैठे हो और सीट पर बैठे बैठे धक्के मारे जा रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे धक्के मारने से गाड़ी चल रही है, तुम्हारे धक्के मारने से गाड़ी चल रही है, आप खूब तेजी तेजी से धक्के मार रहे हो, और जब स्टेशन पे पहुंच जाते हो अपनी फीट ठोकते हो, वाह मैंने स्टेशन पहुंचा दिया, मैंने गंतव्य पहुंचा दिया। ट्रेन तो वैसे भी पहुंच जाती, आप धक्के मार मार के पसीना पसीना हो गए, लहूलुहान हो गए, चूर चूर हो गए, ज़िंदगी को नरक बना दिया, ऐसे तुम पूरी ज़िंदगी को अपने नरक बनाते चले जा रहे हो। ये समझ लो कि अस्तित्व सब कुछ स्वतः हो रहा है, तुम सिर्फ परिस्थितियों पर सवार हो जाओ। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करना था इसलिए अस्तित्व ने आपको मुझसे मिला दिया, अब आप इतना ही सोचो अस्तित्व ने तुम्हें मिलाया है, तुम्हारे गुरु के माध्यम से अस्तित्व तुम्हारे जीवन में कुछ करने जा रहा है, अब साक्षी भाव से उसको देखो, अस्तित्व मेरे माध्यम से क्या कर रहा है, जो करेगा वही आनंद है।